जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बेटा, आज की क्लास में हम लोग करेंगे अपना जो अकाउंटेंसी 12th का सेट 3 है उसका सॉल्यूशन, ठीक है। इससे पहले सेट 1 और सेट 2 का जो पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है मैं वो अपलोड कर चुका हूं। तो कुछ स्टूडेंट्स की मेरे पास कमेंट आई थी कि आपने सेट 3rd का सॉल्यूशन अपलोड नहीं किया है। तो बेटा, उसका रीजन ये था कि मेरे पास जो है अकाउंटेंसी का जो 3rd सेट है वो क्वेश्चन पेपर था ही नहीं। हालांकि मैंने कुछ स्टूडेंट्स को मैसेज किया था, बट आपको पता है एग्जाम कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट जो है एंजॉय करने के मूड में होते हैं, तो किसी का कोई रिप्लाई आया नहीं। हालांकि आज एक स्टूडेंट ने मुझे व्हाट्सअप किया है, तो उसी से मैं ये आपके लिए सॉल्यूशन बना रहा हूँ। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस बेटा कॉमन थे जो सेट 1 और सेट 2 से थे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन डिफरेंट थे, तो इसमें भी आपको मिक्सअप मिलेगा। जो डिफरेंट क्वेश्चन है मैं वो आज बना रहा हूँ, और जो कॉमन थे वो मैंने पहले बना रखे वीडियोस, तो वहीं से मैं उनको अपलोड करूंगा, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो बेटा देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें दो ऑप्शन थी, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो ऑप्शन ए का आंसर है बेटा डी, दैट इज रुपीज 3 लाख, और ऑप्शन बी का ऑप्शन है आंसर है बेटा ऑप्शन ए, दैट इज 323। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है बेटा ऑप्शन ए, 3rd में करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 4th में करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 5th में करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 6th में करेक्ट ऑप्शन है बेटा बी, 7th में करेक्ट ऑप्शन है डी, 8th में भी दो पार्ट थे ऑप्शन ए, उसका करेक्ट आंसर ए ही है बेटा, दैट इज 1,20,000, और बी का ऑप्शन बी ही है बेटा, ठीक है। तो 9th की बात करें तो इसमें करेक्ट आंसर है सी, 10th का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, और 11th की अगर बात करें तो जो इसमें भी दो ऑप्शन है ए और बी, तो ए का जो करेक्ट आंसर है बेटा वो ऑप्शन ए ही है, और जो बी का करेक्ट आंसर है बेटा वो ऑप्शन सी है। 12th की अगर बात करें तो इसमें भी दो ऑप्शन है ए और बी, ए का जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है ऑप्शन डी, और बी का जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है ऑप्शन सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की बेटा। तो 13 में जो ऑप्शन ए है दैट इज 42,000, दैट इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में जो ऑप्शन सी है दैट इज योर करेक्ट आंसर, क्लियर। अब जो 15th है बेटा, 15th में भी दो क्वेश्चन है, दो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो जो ऑप्शन ए है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, और जो ऑप्शन बी है उसका करेक्ट आंसर है बेटा ऑप्शन बी, और जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसका करेक्ट आंसर है बेटा ऑप्शन डी, ठीक है बेटा। तो ये थे आपके फर्स्ट पार्ट के एमसीक्यू। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बेटा अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट है बेटा तरुण, अभिषेक, कमल और विवेक वाला रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, जिसमें कमल रिटायर। तो इसमें सबसे पहले अपने को क्या करना था बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 में सबसे पहले अपने को गेनिंग रेशियो निकालना था, ठीक है। और गेनिंग रेशियो होता है बेटा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे तरुण का निकाल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। 1/3 था, जिसको हम 4/12 लिख सकते हैं बेटा, माइनस करेंगे 5/12, ठीक है। और यहाँ पे ए का निकाल लेंगे 4/12 माइनस 3/12, के का निकाल लेंगे जो रिटायर हुआ है 0 माइनस 2/12, वी का निकाल लेंगे 4/12 माइनस 2/12, ठीक है। तो यहाँ पे जो टी है यानी थ्रू 1/12 का गेनिंग है, सॉरी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है बेटा, ठीक है। और ये 1/12 से गेनिंग है, और ये तो ऑब्वियस सी बात है रिटायर हुआ है, तो ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, और यहां पे जो v है वो 2/12 से गेन पार्टनर है, ठीक है। यानी 2/12 1/12 इन दोनों ने गेन किया, और इन दोनों ने 2/12 और 1/12 सेक्रीफाइस किया। तो ये बेटा आपका सबसे पहले रेशियो निकालना था, फिर आपकी गुडविल दे रखी थी अपना 9 लाख, राइट। तो 9 लाख का ये फॉर्म की गुडविल है 1/12, ठीक है। जो टी को मिलेगा वो होगा 75,000, और ये टी का शेयर हो गया। ऐसे ही जो के है उसको 9 लाख का 2/12 मिलेगा, 1,50,000, ठीक है।
ये मिलेगा k को। अब यहां पे देगा कौन, 2 बाई 12 देगा ये और 1 बाई 12 देगा अपना a, ठीक है। तो हमारी जो एंट्री होगी बेटा वो होगी 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 150,000, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट दैट इज 75,000, टू केज कैपिटल अकाउंट दैट इज 150,000, टू टीज कैपिटल अकाउंट दैट इज 75,000। क्लियर। तो ये बेटा 19 का ए पार्ट है। अब 19 के बी पार्ट की बात करें तो इसमें ऑप्शन दे रखा है अतुल और गीता वाला है बेटा, एडमिशन वाला, ठीक है। तो यहां पे देखिए जो 19 का बी है और वाला, इसमें ईरा जो है वो एक नई पार्टनर है, 1/4 शेयर के लिए आई है और उसका शेयर है 40,000। तो ईरा शेयर ऑफ कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इज इक्वल टू 40,000 फर्म्स टोटल कैपिटल इज इक्वल टू 40,000 इंटू 4 दैट इज 1,60,000, राइट। अब यहां पे ओल्ड रेशो थे बेटा 3:2, ठीक है, ओल्ड रेशो थे 3:2 ए और जी का, ईरा आई थी 1/4 शेयर के लिए, ठीक है, 40,000 कैपिटल लेकर। तो सबसे पहले अपने को न्यू रेशो निकालना है, तो लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 लिखते हम लोग, ईरा शेयर इज इक्वल टू 1/4, रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 3/4, और रिमेनिंग किसका है, ए और जी का है, उसमें लिखा हो तो बेटा ओल्ड एज होम बांट देंगे तो ए का हो जाएगा 3/4 इंटू 3/5 दैट इज 9/20, जी का हो जाएगा बेटा 3/4 इंटू 2/5 दैट इज 6/20, और ईरा का हो जाएगा बेटा 1/4 इंटू 5/5 दैट इज 5/20, ठीक है। तो न्यू रेशो में बेटा 9/6/5, ठीक है। तो न्यू कैपिटल निकालनी है अपने को, न्यू कैपिटल, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। तो यहाँ पे जो ए है इसका शेयर हो जाएगा 160 इंटू 9/20 दैट इज 72,000, जी का हो जाएगा बेटा 160 इंटू 6/20 दैट इज 48,000, और ईरा का तो हमको पता ही है 40,000। तो ये इस तरीके से होनी चाहिए थी बेटा 60,000, ठीक है। तो हमें देख रहे हैं कौन कितना लेके आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए और जी है, तो इसकी जो एग्जिस्टिंग कैपिटल दे रखी है वो है 60,000, इसकी न्यू कैपिटल होनी चाहिए नई फॉर्म में बेटा 72,000, तो ही विल ब्रिंग 12,000। जी की अगर बात करें तो जो एग्जिस्टिंग है बेटा वो 40,000 है, न्यू होनी चाहिए 48,000, तो ये 8,000 कैपिटल लेके आए, यानी आंसर होगा 12,000 एंड 8,000। क्लियर, दिस इज द आंसर। बेटा गुडविल जो होगी वो होगी सुपर प्रॉफिट का 3 इयर्स ऑफ परचेज, ठीक है। तो हम फॉर्मूला ले लेंगे, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है बेटा दैट इज 20,000, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें कैपिटल गिवन है बेटा दैट इज 50,000, और 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है बेटा तो हो जाएगा 5,000, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट आपका आ जाएगा 20,000 माइनस 5,000 दैट इज इक्वल टू 15,000, राइट।
तो यहाँ पर गुडविल हो गया बेटा 15,000 इंटू 3 दैट इज 45,000 और एन शेयर ऑफ यानी नवीन का जो शेयर होगा वो हो जाएगा 11,250 सो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर आपका 18 है राइट, तो ये गलत भी हो प्रॉफिट वाला था, बहुत आसान सा क्वेश्चन बेटा। आपको एक सिंपल पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाना है, यहाँ पे आपको लिखना है बाय नेट प्रॉफिट दैट इज इक्वल टू 1,20,000, तो पहले ये जो प्रॉफिट है वो भाग देना आपको टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ठीक है। तो यहाँ पे आप नाम लिख देंगे आशा दिशा राघव, ठीक है। तो आशा दिशा जो राघव है इसको मिलेगा बेटा 40,000 और यहाँ पे 60,000 प्रॉफिट सेविंग रेशियो आपको दे ही रखा था 2-3-1 में बांटना है और ये आपका 20,000 बट यहाँ पे इसको गारंटी थी बेटा 40,000 की जो कि ए और डी के द्वारा दी गई थी 2-3 की रेशियो में, ठीक है। 2-3 का रेशियो का मतलब जो 20,000 है वो 2-3 की रेशियो में लोग देंगे, ठीक है। 2/5 और 3/5 तो यहाँ से आप लिखेंगे लेस 8,000, यहाँ से लिखेंगे लेस डेफिशिएंसी बॉन्ड 12,000 और यहाँ पे आप लिखेंगे फ्रॉम ए 8,000 बी 12,000 राइट। और यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो जाएगा बेटा इसका 32,000, इसका 48,000 और इसका 40,000, तो ये गारंटी कंप्लीट हो जाएगी और आप 1,20,000 को डिवाइड कर देंगे ऐसे, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 18। तो इस 18 में बेटा एक ऑप्शन मिली था बेटा क्वेश्चन, ठीक है, अखिल निखिल जो पार्टनर्स थे तो अगर किसी ने ये किया है इसमें भी आपका जो है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन ही बनेगा, क्वेश्चन नंबर 18 का बी पार्ट आप लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब मैंने यहां पे जो सैलरी थी वो दोबारा ऐड कर दी तो टोटल प्रॉफिट हो गया बेटा 1,29,200, यहां पे निखिल की सैलरी 9,200, यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा ए को मिलेगा 6,000, एन को मिलेगा 4,800, तो टोटल जाएगा बेटा 10,800 और यहां पे आप प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे, ए और एन को, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा 65,520 और 43,680 राइट। टोटल जो होगा आंसर बेटा हो जाएगा 1,09,200। दिस इज हाउ वी हैव टू प्रिपेयर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये आपका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने बंद कर दिया, क्लियर। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 18, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। तो बेटा जो क्वेश्चन नंबर आपका 20th है उसमें नून तो बेटा जो आपका क्वेश्चन नंबर 20th है इसमें नियोन लिमिटेड परचेज असेट्स वर्थ ₹18,00,000 एंड टू कवर लायबिलिटी ऑफ ₹2,00,000, ठीक है, ऑफ जीनत लिमिटेड फॉर अ परचेज कंसीडरेशन ऑफ 15,00,000। तो ये वाला क्वेश्चन था बेटा, ठीक है, जिसमें आपने एक बिल ऑफ एक्सचेंज पेमेंट के रूप में दिया और बाकी के लिए आपने डिवेंचर इशू किया एट प्रीमियम। तो इस क्वेश्चन की एंट्रीज क्या होंगी बेटा, देखिए सबसे पहले सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट 18,00,000 लिखेंगे आप, टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट 2,00,000,
टू जीनत लिमिटेड 15 लाख और टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट जो कि आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा बेटा रुपीज 1 लाख। फिर आप दूसरी एंट्री पास करेंगे बेटा जीनत लिमिटेड डेबिट 15 लाख टू बिल पेबल्स अकाउंट 3 लाख टू 10% डिवेंचर अकाउंट 10 लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 2 लाख। तो आपको केवल ये दो एंट्रीज पास करनी थी बेटा, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डिवेंचर आपको निकाल के दिखाना था, दैट विल बी 12 लाख डिवाइडेड बाय 120। ठीक है, तो आपके 10,000 डिवेंचर्स आ जाएंगे, उसके बाद ये जर्नल एंट्री आपको पास करनी थी। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 20। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका बैलेंस शीट का, ठीक है, जिसमें शिव लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है, उसकी आपको बैलेंस शीट दिखानी है और बैलेंस शीट में आपको शेयर कैपिटल का ट्रीटमेंट बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखिए यहाँ पर बैलेंस शीट बना ली शिव लिमिटेड की, ठीक है, वही पर्टिकुलर्स इक्विटी एंड लाइबिलिटी शेयर होल्डर फंड शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में आपने नोट नंबर 1 में लिखा है 7,78,000। तो आपको बताना है इसमें कि ये कैसे हम बैलेंस शीट में शो करेंगे, और नोट टू अकाउंट्स में बैलेंस शीट में हमने शो कर दिया, नोट टू अकाउंट्स में हम लिखेंगे सबसे पहले अथोराइज कैपिटल दैट इज 90,000, इक्विटी शेयर कैपिटल शेयर ऑफ रुपीज 10 इज दैट इज 9 लाख, फिर उसके बाद इशूड कैपिटल 80,000, इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 इज दैट इज 8 लाख, ठीक है, बट सब्सक्राइब हुए थे बेटा 79,000 शेयर, ठीक है, उसमें से सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप है 75,000, इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 इज दैट इज 7,50,000, ऐड करेंगे आप शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 4,000 इनटू 7 दैट इज 28,000, तो टोटल अमाउंट आएगा आपका बेटा 7,78,000। क्लियर है, तो आपका जो शेयर कैपिटल का अमाउंट आपको दिखाना है बैलेंस शीट में वो निकालना है 7,78,000, राइट। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 22 की। बेटा अब बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 22 की, ठीक है, 22 में तीन पार्टनर्स थे पी क्यू और आर, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था बेटा 2:1, उसमें से क्यू की डेथ हो जाती है तो हमें क्यू का कैपिटल अकाउंट बनाना है ऑन द डेट ऑफ डेथ। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा क्यू का बैलेंस बीडी हम लोग लिखेंगे 1,25,000, फिर उसका जीआर में शेयर जनरल लेजर में दैट इज 50,000, फिर आप निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,750, कैसे बेटा 1,25,000 इंटू 12/100 दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 3/12, 3 मंथ का आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है। फिर बेटा ये 12,000 उसका शेयर ऑफ गुडविल दे रखा है जो उसको पे करेंगे बेटा पी और आर इन देयर गेनिंग रेशियो दैट इज 2:1, ठीक है, तो बाय पी कैपिटल अकाउंट आप लिखेंगे 8,000, बाय आर कैपिटल अकाउंट लिखेंगे 4,000, फिर इसके बाद हम निकालेंगे बेटा करंट ईयर का प्रॉफिट जो हमें सेल्स के बेस पे निकालना था, करंट ईयर की सेल्स दे रखी थी बेटा 62,500 और प्रीवियस ईयर की सेल्स और प्रॉफिट का जो रेशियो है बेटा दैट इज 1:4 और बी क्यू का शेयर है बेटा 2:5, तो इसका करंट ईयर के प्रॉफिट में शेयर बनेगा 6,250, तो टोटल अमाउंट जो डेट ऑफ डेथ उसका बनता है दैट इज 1,97,000, यानी फर्म उसको 1,97,000 पे करेगी, 1,00,000 शेयर्स रुपीज 10 ईच प्लस 1 रुपीज प्रीमियम, अमाउंट इज पेबल एज रुपीज 4 ऑन एप्लीकेशन जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूडेड दैट इज 3+1, 4 ऑन अलॉटमेंट और 3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, एप्लीकेशन रिसीव्ड यानी अप्लाइड की कितने शेयर्स 1,50,000 और अलॉट हुए कितने बेटा 1,00,000, यानी सबको हमने प्रोराटा बेस पे इशू कर दिया। तो पहली 3 एंट्री तो बिना किसी चीज के बिना किसी प्रॉब्लम क्या कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, ये हो जाएगा बेटा आपका 6,00,000, 2 शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 6,00,000 यानी 150 × 4, फिर यहां पे बेटा शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 6,00,000, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट दैट इज 1,00,000 × 3 3,00,000, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 1,00,000 × 1 1,00,000, ठीक है, और 2 कोल इन एडवांस
ठीक है, दैट इज 50,000 इंटू 4 2 लाख। ठीक है, यहाँ पे फिर इसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट ड्यू की एंट्री करो बेटा 4 लाख, दैट इज 1 लाख इंटू 4 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4 लाख। ठीक है, अब हम यहाँ पे वर्किंग नोट बना के देख लेते हैं। ठीक है, छोटे से वर्किंग नोट। सबसे पहले बेटा कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर अपना इशूड, क्योंकि यहाँ पे अप्लाई दे रखा है, तो नंबर ऑफ शेयर इशूड यह आएगा बेटा 100 upon 150 into 600, दैट इज 400 शेयर्स। यहाँ पे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो जाएगा 600 into 4, 2400। एप्लीकेशन मनी यूज हो जाएगा बेटा 400 into 4, दैट इज 1600। ट्रांसफर टू कॉल्स हो जाएगा 200 into 4, दैट इज 800। ये सेकेंड वर्किंग नोट, ये फर्स्ट वर्किंग नोट। थर्ड वर्किंग नोट में अमाउंट ड्यू ऑन कॉल्स, दैट इज 400 into 4, 1600 लेस रिसीव ऑन एप्लीकेशन, दैट इज 200 into 4, 800। 800 इज कॉल इन एरियर। ठीक है, तो 800 रुपये कॉल इन एरियर बेटा। तो अब यहाँ पे बात करते हैं बैंक की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल पे आना था बेटा आपका 4 लाख रुपीज, 4 लाख उसमें से आपका 2 लाख रुपये एडवांस आ रखा था बेटा, 800 आपका कॉल इन एरियर, तो यहाँ पे आएगा बेटा 1,99,200। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने बोला है कि जब इन्होंने अमाउंट पे नहीं किया, ठीक है, तो कंपनी ने यहीं पे जो है ये शेयर्स प्रॉफिट कर लिए, तो प्रॉफिट की एंट्री हम यहां कर लेते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, दैट इज 400 into 7, 2800 टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। अब यहां पे देखिए हुआ क्या, 2400 था, ठीक है, 2400 में से जो 400 है वो सिक्योरिटी प्रीमियम का होगा 400 शेयर के एप्लीकेशन का, तो वो हमें फॉरफिट नहीं करना, तो यहाँ 2000 आएगा बेटा, तो यहाँ पे 2 शेयर कॉल इन एरियर, ठीक है, 800, राइट। अब इन्होंने लिखा है इसमें से जो 50% शेयर बेटा वो आपने रीशू कर दिए, आप यहां करेंगे एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, दैट इज 200 into 8, 1600 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, दैट इज 200 into 2, 400 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2000। ठीक है, फिर आप लिखेंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो 200 से उसके कैपिटल रिजर्व निकलेगा, दैट इज 600 कैपिटल अकाउंट कैपिटल रिजर्व। क्लियर है बेटा,
तो ये था आपका 23 का पार्ट ए। अब बात करेंगे 23 के सेकंड पार्ट की, बी पार्ट की। तो बेटा अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 के ए पार्ट की, ठीक है, जिसमें बेटा तीन पार्ट में हैं, के आर और एम, ठीक है, जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5-3-2 और उसमें से आर रिटायर हो जाता है, आपको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट में यहां पे देखिए क्रेडिट साइड में केवल एक ही चीज जाएगी, वो है बाय क्रेडिटर्स 10,000 और डेबिट साइड में भी केवल एक ही चीज जाएगी, वो है स्टॉक 10,000, ठीक है। और इस तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट में ना तो फर्म को प्रॉफिट होगा रिवैल्यूएशन से, ना फर्म को लॉस होगा, तो ये 10,000 से ही बंद हो जाएगा। अब इसके बाद बताते हैं बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले बेटा आप बैलेंस बीड लिखेंगे एज यूजुअल, दैट इज 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000, फिर यहां पे बाय जनरल रिजर्व, रिजर्व ट्रांसफर करेंगे बेटा इनके रेशियो में 60,000, 36,000 और 24,000, ये 532 की रेशियो। अब इसके बाद आप लिखेंगे बाय केज कैपिटल अकाउंट, फिर अपना गुडविल का ट्रीटमेंट बाय एन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहां पे के देगा बेटा 75,000 और एन देगा 30,000 गेनिंग रेशियो में, और यहीं पे आप लिख देंगे टू आर कैपिटल अकाउंट 75,000 इसको डेबिट करेंगे, 30,000 इसको डेबिट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी करना है बेटा, टोटल कैपिटल दे रखा है 2,10,000, ठीक है, जो कि नए रेशो में होगी नए पार्टनर्स की। तो के का जो शेयर बनेगा बेटा वो बनेगा 2,10,000 इंटू 5/7, दैट इज 1,50,000 और एन का जो शेयर बनेगा वो बनेगा 2,10,000 इंटू 2/7, ये बनेगा 60,000। तो इसका मतलब ये है कि इनकी जो नई फर्म में कैपिटल होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी 1,50,000 के की और 60,000 एन की, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले जो हमारा आर है इसका अकाउंट बंद कर देते हैं, तो 2,61,000 इसका टोटल बनेगा और यहां पे आप लिखिए टू आर लोन अकाउंट, टू लैख 61,000 से आर का लोन अकाउंट के आपने कैपिटल अकाउंट को बंद कर दिया आर के, ठीक है। अब यहां पे देखिए जो सबसे पहले बात करते हैं के की, ठीक है, तो के की टोटल कैपिटल लगी है वो लगी है 1,80,000 क्रेडिट में है, 75,000 आपका डेबिट में, तो इसका बैलेंस बच रहा है 1,05,000 जबकि नई फॉर्म में होना चाहिए 1,50,000, इसका मतलब है कैश लेके आएगा। तो आप यहां लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, ये 45,000 कैश लेके आएगा बेटा, ठीक है। अब बात करते हैं पहले इसको बंद कर दें, चलिए 2,25,000 यहाँ पे 2,25,000, ठीक है। अब बात करते हैं एन की, एन का अगर आप देखें तो यहाँ पे क्रेडिट में है 144 और यहाँ पे इसका 30, तो इसका मतलब इसका बैलेंस बचा है बेटा 1,14,000 जबकि होना चाहिए कितना इसका बेटा 60,000, ठीक। तो ये क्या करेगा, ये कैश लेके जाएगा, विड्रॉ करोगे 54,000 से और यहाँ पे इसका भी कैपिटल अकाउंट बंद हो जाएगा बेटा 1,44,000 से, 1,44,000 से, ठीक है। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 24 का ए पार्ट। अब बात करते हैं इसके बी पार्ट यानी एडमिशन के क्वेश्चन की, मैं केवल जनरल एंट्री पास करके दिखाने, तो सबसे पहले एंट्री होगी बेटा इसमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस की, आप देखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट
4000 यानी 3:2 का रेशो है, ठीक है, ए और बी का। तो आपने वो लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है, लॉस दे रखा है बेटा बैलेंस शीट की असेट्स में, जिसको हमने वर्ल्ड पार्टनर्स और रेशो में राइट ऑफ कर दिया है, ठीक है। उसके बाद जो है फिर नया पार्टनर आता है, उसकी एंट्री करनी है आपको कैश अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू एम्स कैपिटल अकाउंट 1,00,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट दैट इज 50,000, ठीक है। फिर तीसरी एंट्री बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट $50,000 टू एज कैपिटल अकाउंट टू वीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, दैट इज 30,000 20,000, ठीक है। इसके बाद रिवैल्यूएशन की बात करें तो उससे पहले एक है आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट की, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया बेटा, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश अकाउंट 20,000, ठीक है। इसके बाद रिवैल्यूएशन की बात करें तो रिवैल्यूएशन में केवल एक ही एंट्री होगी, वो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 12,000, ठीक है। अब यहाँ पे लॉस हो गया है, लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट वीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट या लॉस में रिवैल्यूएशन अकाउंट 7,200 4,800 और 12, ठीक है। ये हमारी लॉस की एंट्री होगी, केवल 1, 2, 3, 4, 5, 6 मार्क्स, 6 एंट्री आपको पास करने थी, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, अगर मैं होता तो बेटा मैं यही वाला करता, ठीक है। अब बात करते हैं अपना जो क्वेश्चन नंबर 23 है उसके पार्ट बी की। देखिए पार्ट बी में भी क्या था, आपको दो केस दे रखे थे अलग अलग, जिसमें आपको तीन तीन एंट्री पास करनी थी, फोर फीचर की, री इशू की और कैपिटल रिजर्व की, ठीक है। उसकी एंट्री एक बार देख लेते हैं क्या क्या होगी बेटा। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 23 का बी पार्ट। बी में जो फर्स्ट केस है उसमें पहली एंट्री होगी बेटा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट दैट इज 10,000 इंटू 10 1,00,000 रुपीज टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू होल इन एरियर अकाउंट, ठीक है। तो यहां पे फॉरफीचर में आप लिखेंगे बेटा 10,000 इंटू 8 और होल इन एरियर में लिखेंगे आप 10,000 इंटू 2। तो यहां पे आप लिखेंगे क्रेडिट में 80,000 ठीक है, दैट इज 6,000 इंटू 3 18,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हो जाएगा बेटा 60,000, राइट। अब इसमें आप एंट्री करेंगे कैपिटल रिजर्व की, तो आप लिखेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है, दैट इज 6,000
इनटू आपका हो जाएगा 5। तो यहां पर कैपिटलाइजेशन में आ जाएगा बेटा 30,000। ठीक है, यहां पे 6,000 इनटू 10। तो ये आपका जो 23 का बी पार्ट है उसमें पहला पार्ट था। अब बात करते हैं इसी के सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में आपकी जो एंट्री होगी वो भी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट दैट इज 800 इंटू 8 6400 टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ठीक है, दैट इज 800 इंटू 5 4000 टू कोलिन एरियर अकाउंट 800 इंटू 3 2400। ठीक है, इसके बाद आपने सारे के सारे शेयर इशू कर दिए 12 रुपीज पे। आप एंट्री करेंगे बेटा बैंक अकाउंट डेबिट 800 इंटू 12 9600 टू शेयर कैपिटल अकाउंट दैट इज 800 इंटू 10 8000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट दैट इज 800 इंटू 2 1600। ठीक है, और यहां पे फिर एक लास्ट एंट्री आप पास करेंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 4000 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट दैट इज 4000। ये आपकी लास्ट एंट्री हो जाएगी वही 800 इंटू 5 सारे का सारा आपका कैपिटल। ठीक है बेटा, तो बेटा जो आपका क्वेश्चन नंबर 25 है वो डिजिलेशन का क्वेश्चन है बेटा, जिसमें हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। तो इसमें सबसे पहली जो एंट्री होगी बेटा वो होगी कविताज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 90,000। दूसरे केस में कोई एंट्री पास नहीं होगी बेटा, क्योंकि यहाँ पर क्रेडिटर्स की पेमेंट की गई है असेट्स देकर। ठीक है, तो म्यूचुअल ट्रांजेक्शन से यहाँ पर कोई एंट्री पास नहीं होगी। तीसरे केस में बेटा सुमंस कैपिटल अकाउंट डेबिट 17,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट। फोर्थ एंट्री होगी बेटा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कविताज कैपिटल अकाउंट। फिफ्थ एंट्री होगी बेटा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 21,000 टू बैंक अकाउंट। और सिक्स्थ एंट्री होगी बेटा कविताज कैपिटल अकाउंट डेबिट 3500 सुमन कैपिटल अकाउंट डेबिट 3500 टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है बेटा, तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की, जिसमें इशू ऑफ डिबेंचर से क्वेश्चन था बेटा आपको तीन अलग अलग जनरल एंट्री पास करनी थी अलग अलग केस में। तो जो केस फर्स्ट है बेटा उसकी जो एंट्री होगी वो होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट 2,20,000 टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 2,20,000। ठीक है, और यहां पे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2,20,000 लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10,000 टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट 2,00,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 20,000 टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 10,000। यह आपका केस फर्स्ट है जो आपकी एंट्री होगी केस फर्स्ट में। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं केस सेकंड की। तो केस सेकंड में हमने डिस्काउंट पे इशू किए हैं और
प्रीमियम पे रिडीम करने हैं। तो पहली एंट्री होगी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट 1,90,000, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 1,90,000, ठीक है। यहां पे आप लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,90,000, लॉस और इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 30,000, टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट 2,00,000, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 20,000, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपका केस सेकंड। अब बात करते हैं केस थर्ड की जर्नल एंट्रीज की। तो केस थर्ड में एक पार पे है इशू बट रिड्यूएबल है प्रीमियम पे, तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 2,00,000 रुपए टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 2,00,000 रुपए और फिर यहां लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2,00,000, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट दैट इज 20,000, टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट 2,00,000, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट दैट इज 20,000, ठीक है। तो ये था बेटा आपका लास्ट क्वेश्चन पार्ट वन का, ठीक। बहुत आसान से एंट्री दे रखी थी, आई होप आप सबको 6 मार्क्स मिले, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं बेटा अपना पार्ट बी। तो बेटा अब बात करते हैं अपने पार्ट बी की। तो पार्ट बी में जो सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। उसमें आपसे पूछा गया करंट असेट्स ऑफ एक्स लिमिटेड आर रुपीज 2,00,000 एंड इट्स करंट लायबिलिटी आर 150, वर्किंग कैपिटल रेशियो दे रखा है बेटा 6 टाइम, आपको जो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बताना है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है आपको ऑप्शन बी दैट इज रुपीज 3,00,000, ठीक है। अब इसके बाद अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। तो जो क्वेश्चन नंबर 28 है बेटा उसमें आपको दो ऑप्शन गिवन थी। तो ऑप्शन फर्स्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नॉट टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट आपका ऑप्शन है उसका करेक्ट आंसर है बेटा सी दैट इज सेकंड एंड थर्ड, यानी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, ठीक है। इसी में आपको एक और ऑप्शन दे रखा था बेटा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा बेटा वो होगा आपका ऑप्शन बी दैट इज करंट रेशियो इज आल्सो नोन एज एसिड टेस्ट रेशियो, राइट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। आपको बताना था विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है बेटा वो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी दैट इज पेमेंट ऑफ एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसिस कैश रिसीट्स फ्रॉम रॉयल्टी एंड फीस, यानी सेकेंड एंड थर्ड। अब बात करते हैं बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 30 की। तो जो क्वेश्चन नंबर 30 है बेटा इसमें भी आपको दो ऑप्शन गिवन है। कौन कौन सी ऑप्शन गिवन है बेटा, सबसे पहले है ए विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल रिजल्ट इन नो फ्लो ऑफ कैश। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो होगा आपका ऑप्शन सी एक्विजिशन ऑफ मशीनरी बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है। और इसी में और मैं आपको एक और ऑप्शन दे रखा है मैच द ट्रांजैक्शन गिवन इन कॉलम 2 विद द करेक्ट कैटेगरी गिवन इन कॉलम 1, ठीक है। तो यहां पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो होगा आपका ऑप्शन बी, यानी ए का सेकंड, बी का फर्स्ट और सी का थर्ड, ठीक है बेटा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 30। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की, जिसमें आपको कुछ आइटम दे रखे हैं, हेड्स और सब हेड्स आपको बताने हैं, ठीक है। तो इसमें जो
पहला आइटम दे रखा बेटा वो है लूज टूल्स। लूज टूल्स का जो मेन हेड होता है बेटा वो होता है करंट असेट्स, और जो सब हेड होता है बेटा वो होता है इन्वेंट्री। ठीक है, कोल इन एडवांस की बात करो तो इसका जो मेन हेड होगा बेटा करंट लायबिलिटी होगी, और सब हेड होगा बेटा अदर करंट लायबिलिटी। फिर थर्ड की बात करें तो कैपिटल रिजर्व आपको दे रखा आइटम्स के रूप में, इसका जो मेन हेड है वो बेटा सब शेयर होल्डर फंड है, और सब हेड से बेटा रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है बेटा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 31। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। ये 31 है बेटा, यहां लिखा नहीं है, ध्यान रखना। तो इस 32 में ठीक है आपसे पूछा गया था ठीक है कि आपको ऐसे टूल्स या टेक्निक का नाम बताना था जो दो अर्थमेटिकल वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन शो करे। तो उस टेक्निक का नाम है बेटा अकाउंटिंग रेशो। उस टेक्निक का नाम है अकाउंटिंग रेशो। पहले आपको उसका नाम बताना था, फिर कोई दो ऑब्जेक्टिव बताने थे। तो इन दो ऑब्जेक्टिव में, ये बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, इसके कोई भी दो ऑब्जेक्टिव आपको बताने थे। पहला था स्टडी द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, अकाउंटिंग रेशो का मेन पर्पज होता है कि भाई हम ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी को स्टडी कर सके। स्टडी द सॉल्वेंसी कैपेसिटी, सॉल्वेंसी कैपेसिटी को हम लोग स्टडी कर सके बेटा। शॉर्ट रन की सॉल्वेंसी है वो हम कितना पे कर सकते हैं, लॉन्ग रन की सॉल्वेंसी हम कितना पे कर सकते हैं। इजीली अंडरस्टूड द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उनको आसानी से समझ सके, अकाउंटिंग रेशो हमारी इसमें भी हेल्प करती है, ये भी एक पर्पज होता है। फिर मेक कंपेरेबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसके अलावा जो इसका एक और पर्पज होता है वो होता है बेटा कि हम अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कंपेयर कर सके। ठीक है बेटा, तो ये था क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 33 और क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, बिल्कुल सेम, तीनों सेट में सेम थे, तो बेटा पुरानी वाली वीडियो में इसमें ऐड कर दूंगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की, जो कि आपका रेशो का क्वेश्चन है, और इसमें भी दो ऑप्शंस हैं। ठीक है, एक में आपको वैल्यू निकालनी है, दूसरे में आपको बताना है कि रेशो में क्या चेंज आएगा कुछ ट्रांजेक्शन से या फिर नहीं आएगा। तो 33 का जो ए है ठीक है, जिसमें आपको ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है, तो बेटा यहाँ पे ITR दे रखा है आपको 4 times, ग्रोस प्रॉफिट दे रखा है 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी गिवन है। तो सबसे पहले बेटा ग्रोस प्रॉफिट निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, दैट इज 10 lakh इंटू 20/100, तो ये हो गया बेटा 2 lakh रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लेते हैं, दैट इज RFO माइनस ग्रोस प्रॉफिट, दैट इज 10 lakh माइनस 2 lakh, यानी 8 lakh रुपया आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर ITR दे रखा है बेटा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे ITR की वैल्यू दे रखी है 4, आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है बेटा 8 lakh। ठीक है, तो आपका एवरेज इन्वेंट्री हमें निकल जाएगा यहां से, तो ये हो जाएगा बेटा एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 2 lakh। ठीक है, और अब यहां पे देखिए एक चीज और दे रखी है कि भाई जो ओपनिंग इन्वेंट्री है दैट इज द 25% ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड, तो लेट इन्वेंट्री At the end is equal to X, तो बेटा opening inventory हो जाएगी वन by 4X। ठीक है, अब average निकलता है बेटा X plus 1/4X divided by 2। ठीक है, तो यहां पे इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, एवरेज इन्वेंट्री जो यहां पे आया था 2 lakh के इक्वल। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 5/4X इक्वल टू 4 lakh। ठीक है, इससे आपका x की वैल्यू आ जाएगी 4 lakh इंटू 4/5। ठीक है, 80,000, तो x हो जाएगा बेटा आपका 3,20,000, यानी आपका x क्या माना था हमने एंड वाला, तो इसकी वैल्यू आ गई 3,20,000 और इसका 1/4। ठीक है, यानी आपका जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो हो जाएगा 80,000। ठीक है, क्लियर है बेटा, तो ये आपका
आंसर आ जाएगा इस वाले का। अब इसी में देखिए एक और वाला क्वेश्चन भी है बेटा, डेट इक्विटी रेशियो देखना बेटा 2:1। आपको रीजन ये बताना है और बताना है जो ट्रांजेक्शन है उनसे जो आपका डेट इक्विटी रेशियो है इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पहली जो ट्रांजेक्शन है बेटा लिखा है कन्वर्जन ऑफ 3 lakh rupees डिबेंचर्स ठीक है इनटू इक्विटी शेयर्स। तो जो इसमें फर्स्ट है बेटा और वाला क्वेश्चन है इसी का ठीक है, इसमें डिक्रीज होगा ठीक है, जो डेट इक्विटी रेशियो वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे ठीक है तो हमारी डेट की वैल्यू हो जाएगी कम और इक्विटी की वैल्यू हो जाएगी ज्यादा, तो हमारा जो डेट इक्विटी रेशियो वो डिक्रीज होगा। फिर बेटा कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स जो सेकंड है, इसका आप लिखोगे नो इफेक्ट ठीक है, इससे हमारे रेशो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ना तो ये डेट को और ना ही इक्विटी पे कोई इफेक्ट डालता है। फिर आगे बेटा देखिए क्वेश्चन इसका जो थर्ड पार्ट है रिडेम्पशंस ऑफ रुपीस 10 lakh 11% डिबेंचर्स, यहां पर हमने डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया मतलब डिबेंचर्स की पेमेंट कर दी, तो यहां पे हमारा जो डेट है लॉन्ग टर्म बोरोइंग से वो हो जाएगा कम ठीक है, शेयर होल्डर फंड रहेगा सेम। तो यहां पे भी जो आपका आंसर आएगा बेटा वो होगा डिक्रीज, क्योंकि इससे हमारे जो डेट है वो कम हो रहा है, शेयर होल्डर फंड रिमेंस कांस्टेंट, इक्विटी रिमेंस कांस्टेंट। अब यहां पे जो फोर्थ पार्ट है बेटा इसका परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज 4 lakh ठीक है, तो इसमें भी जो आपका आंसर आएगा बेटा वो आएगा नो इफेक्ट, वो आएगा नो इफेक्ट क्योंकि इससे ना तो आपकी डेट पे ना इक्विटी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा ठीक है बेटा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। तो बेटा अब बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 34 की ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का है जिसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है और आपको बताना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ठीक है। तो सबसे पहले देखिए बेटा फाइनेंस अपना इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए हमें जो है दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, यहाँ पर एक बनेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट और एक बनेगा मशीनरी अकाउंट। तो पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर बाय बैलेंस बीडी यानी ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है 60,000 और यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ये बता रखा है कि ड्यूरिंग द ईयर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, तो ये हो गया बेटा 50,000 ठीक है। तो यहाँ पे 1,10,000। अब यहाँ टू बैलेंस सीडी आपको दे रखा है बेटा यानी क्लोजिंग बैलेंस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का दैट इज 90,000। तो यहाँ पे निकलेगा बेटा टू मशीनरी अकाउंट जो बैलेंसिंग फिगर है कि जो इस साल हमने मशीन बेची है उसका कितना डेप्रिसिएशन था, तो इसका मतलब उसमें जो डेप्रिसिएशन हमने ट्रांसफर किया वो था बेटा 20,000 ठीक है। तो यहाँ पे 1,10,000 से ये बंद हो गया ठीक है। अब बात करते हैं बेटा मशीनरी अकाउंट की, तो हमारे पास मशीनरी अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस दे रखा है कितना बेटा 20 lakh का, 20 lakh का ठीक है। अब इसमें से बताया कि 4 lakh की मशीन आपने बेच दी ठीक है 30,000 प्रॉफिट के। तो अब देखिए इसी मशीन पे जो डेप्रिसिएशन लगा होगा बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वो यहां पे आएगा 20,000 ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपने 30,000 प्रॉफिट पे बेची है, तो यहाँ पे आप बैंक अकाउंट में लिखेंगे बेचकर आया होगा आपके पास 4,10,000 ठीक है। फिर इसके बावजूद आपके पास बैलेंस कितना बचा 28 lakh, ये भी आपको क्रेडिट साइड ही लिख देना है ठीक। अब यहाँ पे जो 4,10,000 की मशीन बेची है 30,000 का प्रॉफिट हुआ था, तो आप लिखेंगे टू गेन ऑन सेल मशीन दैट इज 30,000 राइट। तो यहां पे आपका बैलेंसिंग फिगर निकल आएगा बेटा टू बैंक अकाउंट परचेज ऑफ मशीन, तो हमने यहां परचेज की है मशीन बेटा कितने की 12 lakh की, जो हमारा बैलेंसिंग फिगर निकलेगा ठीक है। तो जो बेटा 32 lakh 30,000 और यहां पे भी हो जाएगा 32,000। परचेज ऑफ
मशीन से हमारा पैसा गया कितना बेटा 12 लाख। तो ड्यूरिंग द ईयर जो हमारा नेट इफेक्ट पड़ा होगा बेटा वो पड़ा होगा 7,90,000, वो भी नेगेटिव। अब यहां पे लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 7,90,000 ये इन्वेस्टिंग का है। अब बात करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की, तो इनफ्लो में यहां पर आएगा बेटा आपका इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स इशू करके बेटा हमारे पास 30 लाख रुपीज आया, ठीक है। अब आउटफ्लो की बात करें, आउटफ्लो में सबसे पहले बेटा रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, ये आपका 20 लाख रुपीज, ठीक है। यहां पर प्रीमियम और रिडेम्पशन भी है बेटा 10% जो रिडीम किए हैं, तो 20 लाख पे 10% दैट इज 2 लाख रुपीज, ये भी आपने पे किया होगा तो टोटल 22 लाख आपने पे किया है। फिर इसके बाद बेटा इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, वो है बेटा 5,50,000। इसके साथ साथ बेटा आपका जो है डिविडेंड पेड दे रखा है, अमाउंट है 3 लाख। तो जो टोटल आउटफ्लो है बेटा ये होगा 30,50,000, ठीक है। तो यहां पे आउटफ्लो में आप लिखेंगे 30,50,000। जो नेट रिजल्ट निकलेगा यहां पे भी आप लिखेंगे कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 50,000, ठीक है। ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का है, ठीक है बेटा। तो ये वीडियो अच्छी लगे तो बेटा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है।